हम आ गए हैं द्वारका बीच और वही देखेंगे हम। बहुत ही छोटा सा बीच है वो और यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से समुद्र तो बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आज लास्ट डे है और आज लास्ट दिन में हम देखने वाले हैं द्वारका बीच और हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जो कृष्ण की द्वारिका नगरी है वो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और आज हम विज़िट करने वाले हैं द्वारका बीच जो कि बहुत छोटा सा बीच है और द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल ही करीब है। तो यहाँ पर शिवराजपुर बीच की तरह कोई टिकट नहीं है, वहाँ पे तो टिकट थी लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको नीचे उतरने के लिए ऐसे पत्थरों में से जाना पड़ेगा। इसका दूसरा भी रास्ता था लेकिन वो बहुत दूर था और सभी लोग यहीं से जा रहे थे तो हम भी उतरने लग गए थे यहीं से। द्वारका नगरी जो है वो काफ़ी खूबसूरत नगरी है और बहुत 5000 साल पहले की नगरी है ये। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी वो ख़त्म हो गई, उनका देहांत हो गया। उसके साथ ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी और सिर्फ रह गई थी कुछ अवशेष ऐसे, और उन अवशेषों को आज भी वैज्ञानिक समुद्र के नीचे जाकर ढूंढ रहे हैं कि कैसी नगरी थी। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी डेंजर का निशान लगाया हुआ था और फिर भी सभी लोग जा रहे थे तो हम भी देख के आ गए, थोड़ी देर रुके थे। समुद्र जितनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है उतना ही खतरनाक है, इसलिए हम उससे बच के भाग रहे हैं। द्वारिका जो है वो चार धामों में से एक है और गुजरात के द्वीप पर ये आया हुआ है अरब सागर के समुद्र के बीच में, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसके बाद हम निकल चुके थे सोमनाथ जाने के लिए। सोमनाथ जाते वक्त हमें बीच में एक मंदिर पड़ता है तो वहीं हम दर्शन करेंगे। वो हमने गूगल मैप में देखा था, जिस मंदिर का नाम है भड़केश्वर महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने पार्किंग कर दिया है, पार्किंग की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है और बहुत ही कम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। शायद सबको पता ना हो तो आपको मैं बता देती हूँ, काफ़ी खूबसूरत शिवलिंग के रूप में मंदिर बना हुआ है, यानी कि शिवलिंग के आकार में, और तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। आप इसका नज़ारा देखेंगे मंदिर के पास जाकर तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस टाइम पर। क्या आपको पता है कि द्वारिका नगरी क्यों डूब गई थी? ऐसी मान्यता है, ये सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है जब कौरव सारे ख़त्म हो गए और पांडव वीर की विजय हुई थी तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि उसने बोला था कि आपके कारण ही मेरे सारे पुत्र ख़त्म हो गए। तो उसकी वजह से श्री कृष्ण को श्राप मिला था और श्री कृष्ण भगवान को ये श्राप दिया गांधारी ने कि आपके कुल का नाश हो जाएगा। इस तरह से श्राप मिला था तो ऐसी मान्यता है कि शायद इस वजह से कृष्ण भगवान का कुल समाप्त हो गया हो। तो हमने यहाँ पे चप्पल निकाल दिए थे, सभी ने बहुत लाइन में चप्पल निकाले हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, उन्होंने इन चप्पलों को जमाया ताकि उनको पैसे मिल सके। तो चलिए अंदर चलते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन शायद अभी चल रहा था तो अंदर तक तो नहीं जाने मिला, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो था वो बहुत खूबसूरत था। तो हमने थोड़ी देर मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद थोड़ी देर हम लोग साइड में बैठे, काफ़ी अच्छा लगा। शिवलिंग कुछ इस तरह से थे और फिर हम देखने चले गए थे समुद्र। द्वारिका नगरी तो पूरी समुद्र से ही बनी हुई है ऐसा लगता है। एक बार क्या हुआ, सोते हुए कृष्ण को देखकर उनको हिरण समझकर जरा नाम के एक शिकारी ने उन पर तीर चला दिया और उसकी वजह से कृष्ण भगवान की मौत हो गई थी। इस टूर में हम वो जगह भी देखने वाले हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान का देहांत हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं घर पर, लास्ट बार ये नज़ारा देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो
फ्रेंड्स, हम आ गए हैं भड़केश्वर महादेव और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि भोले बाबा का है, वो हमने दर्शन कर लिया है। और अब यहाँ पे भी एक बीच है, वो देख लीजिए आप, छोटा सा बीच है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लील जमी हुई है, तो अंदर तो नहीं जा। अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन पानी बहुत क्लीन है, इसलिए हम वो अंदर का जो नज़ारा है वो देख पा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सोमनाथ की ओर और यहीं पे हमारी द्वारका की जो ट्रिप है वो पूरी होती है। चलिए, बाय बाय।